हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज हम बात करेंगे पिक्चर लुकअप के बारे में। जी हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक के बारे में पढ़ा था। हम बात करेंगे पिक्चर लुकअप के बारे में। तो बेसिकली मेरे पास एक डेटा है, हालांकि मेरे पास दो डेटा है, एक डेटा वन एंड डेटा टू। तो हम डेटा टू के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं हम डेटा वन के बारे में। डेटा वन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास नेम है और सेल्स है, उसी तरह से मंथ और सेल्स है, सिटी और सेल्स है। तो सबसे पहले इसको थोड़ी सी विजुलाइज करते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, और इसके ऊपर हम एक चार्ट बना लेते हैं, और चार्ट को हम इस एरिया में फिट कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करके हम इसको फिट कर लेते हैं, और यहाँ टाइटल में हम दे देते हैं, जो हमारा टाइटल है इसके जगह पे दे देते हैं कि सेल्स रिपोर्ट बाय एसओ सेल्स ऑफिसर्स, और इसको सिलेक्ट करके जब चार्ट किसी भी चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर चार्ट का डिजाइन आता है, या इस पे भी क्लिक करेंगे तो चार्ट का डिजाइन आएगा। तो आप जाइए अपने हिसाब का जो डिजाइन आपको परफेक्ट लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे इसमें इस चार्ट का डिजाइन परफेक्ट लगा तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर इसी तरह से मैं मंथ को लेता हूँ, इसको भी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर देता हूँ। इसकी जो कलर है वो थोड़ा सा अलग रखते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमने कौन सा कलर का चूज किया है। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पे भी हम एक चार्ट इंसर्ट करते हैं, सेम तरह का चार्ट इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसका डिजाइन हम कुछ और रखेंगे। इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मंथली सेल्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है हम ए ले लेते हैं, या ए सही रहेगा। उसी तरह से हम सिटी सेल्स है तो हम इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाते हैं, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम इसकी कलर इस बार हम चेंज करते हैं, और इसका कलर ए ले लेते हैं। ये दोनों एक ही कलर है, अलग अलग कलर होना चाहिए। थोड़ा सा कलर में दिक्कत है, ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स जो है कलर को अच्छे तरह से समझती है, हम बॉयज में कलर समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, इसमें मैं भी हो सकता हूं मैं गलत हूं, कोई बात नहीं, इस पे बहस नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे आगे आते हैं, इसमें हम 3D चार्ट लेते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग चार्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि हर बार अगर एक ही तरह का चार्ट आएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें इस बार चार्ट चेंज कर देते हैं। इस बार इसमें इसमें पाई चार्ट लेते हैं, क्योंकि तो जगह कम है तो इसलिए हम पाई चार्ट लिए, और हम पाई चार्ट के अंदर भी अपना फॉर्मेट चूज कर लेते हैं और इसको छोटा करते हैं, और इसको इसके जगह पे हम फिट कर। अब आपके सामने मेरे पास चार चार्ट आ चुके हैं। ये चार डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास आ गए, और सबको सेलेक्ट करके हम इसका एक राउंड बोर्डर तैयार कर लेते हैं, इसी बोर्डर के अंदर में अपने चार्ट को रखें, थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्योंकि रिपोर्ट इतना अट्रैक्टिव होता है उतने ही लोग उसको डीप लेते रहते हैं।
आपने इतनी मेहनत से रिपोर्ट बनाया और कोई उसको देखे ही नहीं, तो फिर और इसको भी सेम सेलेक्ट करते हैं। और इसी बॉर्डर सर्कल में हम अपने चार्ट्स को रखते हैं। और अच्छा दिखने के लिए पेज लेआउट में जाके हम गियर लाइन को हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो हमने अपनी विजुलाइजेशन कंप्लीट कर ली। यहां भी अपने विजुलाइजेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉब्लम है कि मैं यहां इसके ऊपर इसकी भी गिर लाइन हटा देता हूं मैं, और मैं यहां पे सेलेक्ट केपीआई लिखना चाहता हूं। अब सेलेक्ट केपीआई और इसको मैं थोड़ा सा एलो कलर कर देता हूं, और यहां डेवलपर में आता हूं। डेवलपर में आने के बाद मैं यहां आई थिंक डेटा मेनू बार में आएंगे और यहां डेटा वैलिडेशंस में आएंगे, लिस्ट में जाएंगे। तो यहां पे हम करते हैं सेल्स ऑफिसर्स कॉमा, मैं ड्रॉप लिस्ट बना रहा हूं, मंथ कॉमा सिटी कॉमा चार है ना, एक हमारा कोर्स है एंड ओके। मतलब डेटा के अंदर ये हमारा मंथ सेल हो गया, ये मंथ वाइज सेल हो गया, ये हमारी सिटी वाइज, ये हमारा कोर्स वाइज। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एसओ, तो जो एसओ का ये जो चार्ट है वो शो होना चाहिए। तो मैं एक किसी एक चार्ट को यहां से कॉपी करता हूं, पूरे चार्ट और डेटा दोनों को, और हम अपने लुकअप वाले सीट पे चले जाते हैं और यहां हम जस्ट करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अब देख सकते हैं कि पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक जब हमने किया तो ऊपर में एक एड्रेस आ गया, डेटा 1A2 से G12, एक लंबा सा डेटा आ गया। देखिए ये तो काफी, यहाँ पे बार बार चेंज करना मुश्किल होगा। तो हम एक काम करते हैं, डेटा वन में आते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग नेम डिफाइन कर लेते हैं। तो आप फॉर्मूला बार में जाते हैं तो डिफाइन नेम आएगा, इसके बारे में हमने मिसलेनियस क्लासेस और फॉर्मूले की क्लासेस में डिस्कस की थी। किसी भी एरिया का एक छोटा सा नाम रखा जा सकता है। तो डिफाइन नेम में मैंने इसका नाम दे दिया एसओ, स्पेस मत दीजिएगा नाम के, इसका ध्यान रखिएगा। यहां हम करेंगे मंथ, ऑलरेडी मंथ पिक कर लिया, हमने ओके कर लिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम मैंने लिख दिया डिफाइन नेम में सिटी, ऑलरेडी सिलेक्ट है सिटी हो गया, और इसका नाम कर दिया मैंने कोर्स, डिफाइन नेम एंड कोर्स। मतलब नेम मैनेजर में मेरे पास चार अलग अलग नेम हो गए, सिटी कोर्स डेटा मंथ एंड एसओ। डेटा ऑलरेडी पहले से है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। या क्या होगा, चार नेम होंगे, एंड क्लोज करता हूं। लुकअप वन पे आता हूं, अब मैं इसको क्लिक करके इस पूरी शीट को हटा देता हूं, डेटा हटा के। अगर मैं एसओ करके एंटर प्रेस करता हूं तो एसओ का डेटा आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके करता हूं मंथ, एंटर मारता हूं तो मंथ का डेटा आ गया। अगर मैं सिलेक्ट करके करता हूं यहां पे सिटी, तो ये आपका सिटी का डेटा आ जाता है। लेकिन थोड़ा कट रहा है ना, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे छोटा कीजिए। ये सेल्स के एड्रेस है, इसको भी छोटा कीजिए। अब सही दिखेगा, अब सही दिख रहा है। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं सिटी के जगह पे कोर्स करता हूं तो कोर्स आएगा। पर प्रॉब्लम है कि मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करके यहां जाके चेंज नहीं करना चाहता,
मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है, मैं यहां सेलेक्ट करूं और चला जाए। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, अब मान लीजिए मैं एसओ की वैल्यू को सम करना चाहता, तो मैं इक्वल यहां सम एसओ लिखूंगा तो इसका सम आ जाएगा 523 आ गया। लेकिन मैंने किसी सेल पे एसओ लिख दिया और मैं चाहता हूं कि मैं सम करूं, तो जो एसओ है वो एसओ में आपका जो नेम एसओ है, इक्वल एसओ होता है, उसको कंसिडर करें, वो नहीं होगा। आपको याद होगा मिसलेनियस की क्लासेस में हमने आपको इनडायरेक्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था कि अगर मैंने आप A1 पे 50 लिख दिया तो मैं चाहता हूं कि A1 प्लस 10 हो जाए, तो मैं A1 प्लस 10 लिखता हूं तो रिजल्ट 60 आ जाता है। लेकिन मैंने J1 पे A1 लिख दिया, अब मैं चाहता हूं कि इक्वल J1 प्लस 10 हो, तो यहाँ पे 60 आए, मतलब इस A1 को A1 की वैल्यू समझ के फिर 10 ऐड कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस A1 को समझता है टेक्स्ट, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें हम J1 को डालेंगे then plus 10 करेगा, तो इनडायरेक्ट इस A1 को कंसीडर करवाएगा A1 के थ्रू, मतलब एक्सेल को समझाएगा कि जो A1 J1 के ऊपर जो A1 लिखा हुआ है वो किसी ABCD किसी टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, वो एक सेल रेफरेंस है, एक एड्रेस है सेल का, फिर उसकी वैल्यू को लेके फिर इस पे हम 10 प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने 60 आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर मैंने एसओ यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं इक्वल सम के अंदर में इनडायरेक्ट दूंगा और इनडायरेक्ट के अंदर इस एसओ को सिलेक्ट करूंगा तो सम यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे बारी आती है कि क्या मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट को लिखूं और इसके अंदर इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूं तो क्या इससे कनेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि तो कोई भी पिक्चर लिंक पिक्चर या कोई भी लिंक ऑब्जेक्ट या लिंक चार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता, यहां तक कि पिवट टेबल भी डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेप्ट हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो डिफाइन नेम है वो कहता है कि आप मुझे एक एरिया दे दो या किसी फॉर्मूला को दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ डिफाइन नेम पे आता हूँ और इसका नाम मान लीजिए हम CH रख देते हैं या कुछ भी नाम रख देते, मैंने CH रख दिया और नीचे जो बाई डिफॉल्ट लुकअप 1 on D4 का जो रेफरेंस ले रहा है, इसके जगह पे हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इस इनडायरेक्ट फॉर्मूला में हम इस SO को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। तो मतलब कि मैं यहाँ पे इक्वल सम करूं और सम के अंदर में मैंने CH ले लिया तो ये लिंक हो जाएगी हमारे इससे। अब इनडायरेक्ट लगाने की जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि CH फॉर्मूला में इनडायरेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मैं जब चेंज कर रहा हूं तो यहां चेंज हो रहा है। तो पिक्चर जो लिंक पिक्चर जो है वो लिंक पिक्चर कहता है कि मैं किसी तरह का फॉर्मूला नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सेल का एड्रेस लूंगा या फिर लूंगा कोई डिफाइन नेम और डिफाइन नेम कहता है कि मुझे फॉर्मूला चलेगा। तो मैंने फॉर्मूला दे दिया डिफाइन नेम को और लिंक पिक्चर को दे दिया अपना डिफाइन नेम जैसे कि CH। अब एंटर मारा, रिजल्ट आ गया। अब मैं यहां पे जो भी सिलेक्ट करूंगा, मैंने सिलेक्ट किया SO, तो SO क्या हुआ, CH फॉर्मूले के अंदर SO गया और इनडायरेक्ट ने कन्वर्ट करके इसको रेफरेंस बना दिया और फिर वापस चार्ट को दे दिया। तो एक तरह से बिचौली के तरह हमारा काम किया और हमने अपना एक पिक्चर्स को लुकअप कर लिया। अब ऐसा करते क्यों है, क्या होता है कई बार चार्ट्स के अंदर हम अपने एक डेटा में बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स बना देते हैं, लेकिन जो हमारी समरी शीट होती है वहां पे मुझे 1 by 1 शो करना होता है कंपेयरिंग के लिए, अब और भी बहुत चीजों के लिए हमें सिर्फ 1 by 1 शो करना होता है। उस केस में हम इस तरह के मेथड को यूज करते हैं। अब एक तो हो गई एक मेथड, अब दूसरा आता है यहां पे
डेटा टू के अंदर जिसमें नेम और फोटो वगैरह है। और मान लीजिए कि यहाँ नेम भी है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पुनीत का नाम है, और भी चीजें हो सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इंदर है, यहाँ पे मान लीजिए रवि है, यहाँ पे मान लीजिए कविता है, यहाँ पे ओम है। नहीं, कविता नहीं, लड़की का फोटो तो ही है, करण कर देता ओम, और यहाँ पे सुरेश। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अपना आईडी नंबर, तो आईडी नंबर में वन किया तो यहाँ बंदे का नाम आ जाए। उसके लिए बहुत सारे लोग वी लुकअप का फॉर्मूला अपनाएंगे। हालांकि वी लुकअप की क्लास हम आगे आपके साथ बहुत डिटेल में लेंगे, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कि हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। और हमने इसको सेलेक्ट किया, डेटा टू में गया, डेटा टू को सेलेक्ट किया, और तीसरे नंबर के कॉलन है तो यहाँ पे 3.0 कर दिया, तो यहाँ पे पुनीत आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पुनीत का फोटो भी चाहता हूं। अब प्रॉब्लम है कि कोई भी वीलुक अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, क्योंकि दूसरे कॉलम में फोटो है, तो यहाँ 0 आएगा, न कि फोटो आएगा। मतलब कि किसी सेल के अंदर फोटो है तो वी लुकअप उसको लुकअप या कोई भी फॉर्मूला उसको लुकअप नहीं करेगा, क्योंकि हमने सेल के अंदर इसको रखा हुआ है। एक्चुअली सेल के अंदर नहीं है, ओवर द सेल है, देख सकते हैं आप। हालांकि गूगल सीट में हो जाता है, पर इसमें नहीं होगा। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए थोड़ी इसी मेथड जो हमने डेटा वन वाले मेथड बताई है, इसी को करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें हमारे पास बहुत सारे नाम है। यहाँ तो मेरे पास 4-5 डेटा समरी थे, तो 4-5 डेटा समरी के लिए हमने अलग अलग डिफाइन नेम लगा लिया था, बट यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, तो सबके लिए हमें डिफाइन नेम करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम जो लुकअप प्रेफरेंसेस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने आपको मिसलेनियस फॉर्मूले में जो मैंने आपको इनडायरेक्ट एड्रेस वगैरह का फॉर्मूला बनाया था, वो चीज़ यहाँ पे काम आ सकती है। तो उसके लिए मुझे एक नया फॉर्मूला मैच सीखना होगा। जैसे कि मैंने आईडी लगाया और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैच का, मैच फॉर्मूला आईडी नंबर मान लीजिए कि 2 कर दिया, और फिर यहाँ पे मैच फॉर्मूला लगाया। मैच फॉर्मूला हमने जब इसको लुकअप वैल्यू और इसको कॉलन ए में लुकअप करेंगे, मतलब मैच फॉर्मूला बताएगा, मैच फॉर्मूले में दिया गया f2 मतलब कि आईडी नंबर, कॉलन ए मतलब जहाँ पे आईडी है, और कॉमा 0 मतलब एग्जैक्ट मैच। ये मुझे बताएगा कि ये जो 2 नंबर रो है, 2 नंबर जो आईडी है, कितने नंबर रो में है। तो बताया 3 नंबर रो में, मतलब कि मेरा फोटो B3 में है। तो मैं यहाँ पे B के साथ कॉन्केट कर देता हूँ 3, और कॉन्केट करने के भी मैंने आपको मिसलेनियस फॉर्मूले क्लास में बताया था कि कैसे हम कॉन्केट करेंगे 2 सेल वैल्यू को। तो आ गया हमारा B3, क्या आ गया B3। अब मैं यहाँ इनडायरेक्ट के अंदर B3 डालूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपल सा, अब ये चीज मैं यहाँ कर रहा हूं, बट यहाँ ना करके मुझे करना है लुकअप पिक्चर के अंदर, कि मुझे यहां से आईडी को पिक करना है। तो यहाँ डेटा शीट में मैंने यहाँ पे जो मैच फॉर्मूला लगाया था, इस मैच फॉर्मूले में मैं लुकअप 2 के आईडी को जो कि हमारा C4 है, C4 को सिलेक्ट किया, फिर डेटा 2 में आया और हमने सेलेक्ट कर लिया कॉलन ए को .0। अब मैं यहाँ पे करूँगा बी के साथ कंबाइन 2 को, और फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाँ फॉर्मूला इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सारे फॉर्मूला को करेंगे मर्ज। हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फॉर्मूला मर्जिंग मेथड समझाया था, हम इसकी फॉर्मूला को लेंगे और यहाँ जहाँ F2 वाला सेक्शन है वहाँ पे इसके मर्ज कर देंगे मैच को, क्योंकि हमें
डिवाइन नेम में डालना है वहां हम इस तरह से नहीं डाल सकते, अब परफेक्ट है। और लेकिन जो सी फोर है उसको कर देना है हमें मर्ज, और ए बाई ए को भी कर देना है फ्रीज कर देना है। ध्यान रखिएगा कोई भी एड्रेस डाले फ्रीज करके डाले, फ्रीज करके नहीं डालेंगे तो आपका जो डिफाइन नेम है वो गलत देगा एड्रेस। और बी के आगे हमें डालना होगा सीट का नेम, सीट नेम भी डालना जरूरी है। तो यहां डालेंगे डेटा स्लैश टू और यहां डालेंगे ए, इस सीट का है भी तो बताना जरूरी है ना। आर एफ क्यों आया, आर एफ तो नहीं आना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ लुकअप पे आता हूँ और हम इस तरह से बी टू को सेलेक्ट करते हो, ये सिंगल कोड एक डैश लगा था इस कारण से सिंगल कोड है, तो ये चीज ध्यान रखना होगा कि ये पूरा का पूरा सिंगल कोड आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब डेटा टू में आता हूँ और यहाँ बी के जगह पे हमें इसको पिक देना है। अब सही है, अब आरएफ नहीं है। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और चला जाता हूं कहां पे, फॉर्मूला बार डिफाइन नेम, डिफाइन नेम में इसका नाम, इसका हम देते हैं फोटो और फिर यहां पे अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ओके, अब मैं अपना सीट टू पे पिक्चर टू पे आता हूं, लेकिन उससे पहले किसी एक पिक्चर को कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया किसी एक को और यहां पिक्चर टू में आके होम में गया, पेस्ट स्पेशल पिक्चर लिंक कर दिया। और इसको थोड़ा बड़ा वगैरह करना चाहो तो बड़ा वगैरह भी कर सकते, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर। अब यहाँ जो डेटा टू बी टू आ रहा था इसको हटा के जो हमने फोटो वाला जो नेम डिफाइन किया था वो डाल के एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए मैं आई नंबर टू करूंगा तो यहाँ पे इंदर और इंदर का फोटो आ गया, आई नंबर फोर करूंगा, थ्री करूंगा, फोर करूंगा, फाइव करूंगा, तो जो भी आई डी नंबर मैं यहाँ दूंगा उसका फोटो आपको यहाँ दिख जाएगा। बिल्कुल, ये थी हमारी पिक्चर लुकअप की क्लासेस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, इसमें कोई डू लिस्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डू लिस्ट में आप अगर आपको वी लुकअप का फॉर्मूला आता है तो आप एक स्टूडेंट का स्टूडेंट स्कोर कार्ड बना सकते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नंबर डालें तो उसकी स्कोर कार्ड और साथ में उसका नेम एड्रेस और फोटो आ जाए, ऐसा कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप बना सके तो बना लीजिए। Thank you.